गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी हुई 2024 की लेटेस्ट अपनी महिंद्रा XUV 3XO और ये जो वेरिएंट है ना, अपना बेस वेरिएंट है पेट्रोल के अंदर, यानी कि MX1 वेरिएंट हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में जो है इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इसकी एक शोरूम ऑनर कॉस्ट भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी मैं हूँ आपका आत्माराम महिंद्रा पे, स्पेशल थैंक्स टू देम जिन्होंने मेरे को गाड़ियाँ प्रोवाइड करी और अब तक जो है मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुँचा पा रहा हूँ। अगर आपको महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो आप आके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं एक्साइटिंग ऑफर्स को एंड डील्स को। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, सबसे पहले बात करते हैं इसकी चाबी से ही। तो चाबी आपको बिल्कुल बेसिक देखने को मिलेगी, कोई भी कंट्रोल आपको यहाँ देखने को नहीं मिलने वाला, सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे रिमोट पे, आपको यहाँ पे मैनुअली जाके इस तरीके से यहाँ पे लगानी पड़ेगी चाबी और इसको अनलॉक और लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिलने वाली है। उसके बाद अगर मैं आगे इसके आगे की सेटअप की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पूरा अपना LED DRL वाला सेटअप देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हेलोजन में अपनी हाई बीम लो बीम देखने को मिलेगी, नीचे की तरफ उसके आपको फॉग लाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वही अपनी मोटी सी पट्टी वाली अपनी ग्रिल देखने को मिलेगी ट्विन पीक के लोगों के साथ। उसके बाद ये तीन पट्टियाँ देखने को मिल जाती हैं, नीचे की तरफ अपने यहाँ पे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट हो जाएगी। टोइंग हुक के ऑप्शन की बात की जाए तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रे फिनिश में अपनी बंपर लिप देखने को मिल जाती है, ठीक है। आते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिलेगी। बेस वेरिएंट में आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की रिम्स देखने को मिलेंगी, व्हील कवर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ व्हील कैप आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है, 5 मिनट वाले आगे डिस्क और पीछे भी आपको यहाँ पे डिस्क देखने को मिल जाएगी बेस वेरिएंट में। उसके बाद अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूँ तो 16 इंच का टायर देखने को मिल रहा है, 205/65R16, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए फिर सेंटर से तो ये गाड़ी जो है आधी काली रहने वाली है, अपने OVMs हाथ से फोल्ड अनफोल्ड करने पड़ेंगे। ए पिलर जो है सिर्फ आपको ब्लैक डॉट देखने को मिलेगा और जो बाकी का पिलर है ना बीच वाला बी पिलर जिसे कहते हैं ये आपको बॉडी कलर ही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो लास्ट का पिलर है वो आपको फिर से ग्लॉस ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्रोम का ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की पट्टी सी देखने को मिलेगी, OVM आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा, उसके ऊपर ही आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स नहीं है, सनरूफ नहीं है, एंटेना भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करी जाए रियर एंड पे तो कुछ इस तरीके का इसका रियर एंड देखने को मिलेगा, स्पॉइलर नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉपिंग लैंप मिल रही है, डिफॉगर नहीं है, वाइपर नहीं है, कनेक्टेड टेल लाइट LED की नहीं है, लेकिन आपको LED टेल लाइट देखने को मिलेगी जिसके अंदर ब्रेक लाइट और अपना इंडिकेटर मिलेगा, हेलोजन का जो है आपको रिवर्स लाइट और ब्रेक लाइट देखने को मिलेगी। XUV 3XO की बैजिंग, यहाँ पे आपको ट्विन पीक का लोगो। अगर बात करी जाए इसके पीछे के बूट के साइज की तो पहले करते हैं गाड़ी को अनलॉक, मैंने लॉक कर दिया था, कर दिया गाड़ी को अनलॉक। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 364 लीटर का बूट स्पेस, 364 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, डिप अच्छा खासा है। उसके बाद स्पेयर टायर की बात करी जाए तो ये आपको स्पेस सेवर देखने को मिलेगा, 16 इंच का ही है लेकिन जो सेक्शन है वो 120-130 रहने वाला है, बिल्कुल बाइक के साइज के टायर जितना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको हुक वगैरह मिलेंगे, 60-40 स्प्लिट सीज। पीछे वाली रो में आपको जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे, सिर्फ 2 देखने को मिलेंगे। पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पे पकड़ के बंद करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ थोड़ी सी डिटेल्स लिखी हुई हैं, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, ग्रे कलर का फिर से बम्पर लेयर आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्टर्स ग्रे कलर का ट्रीटमेंट यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक। अब चलता है गाड़ी के आगे, तो आपको आगे इसमें इंजन दिखाता हूँ मैं जल्दी से। महिंद्रा का सेफ्टी फीचर, जैसे ही मैंने इसका हुड खोला जो अपने इंडिकेटर्स है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे अपनी जो है LED के इंडिकेटर है, ऊपर की तरफ अपनी DRL है। ये है इसका 3 लीटर का पेट्रोल इंजन, इस तरीके का आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लीन सा इंजन भी है बिल्कुल, यहाँ पे इंसुलेशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसके पावर फिगर की, इसके पावर फिगर्स क्या रहने वाले हैं। अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 1200 cc का 3 सिलेंडर वाला इंजन, ठीक है। इसके अंदर 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, दोनों में टर्बो मिलता है, एक TGDI रहता है और एक अपना MPFI वाला इंजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसके नॉर्मल जो इस वेरियंट के अंदर आ रहा है वो है आपका MPFI, और MPFI के पावर फिगर की बात करूँ तो 110 BHP प्रोड्यूस करता है, 200 Nm का टॉर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लगे आज इसके डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं, अगर मैं गाड़ी की लेंथ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लेंथ देखने को मिल जाती है आपकी 3990 mm, 3990 mm यहाँ पे जो है इसकी लेंथ देखने को मिलेगी, और 2400 mm के आसपास अपना जो है व्हील बेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलता है गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर देखते हैं कंपनी ने क्या क्या ऑफर किया अपने पेट्रोल के बेस वेरिएंट के अंदर। तो ये रिचा भी आपको मैनुअली खोलना पड़ेगा,
ये है इसका डोर पैनल, तो डुअल कलर में है अपना व्हाइट प्लस ब्लैक। उसके बाद अगर बात की जाए तो चारों पावर विंडोज आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा अपने एडजस्टमेंट का, ORVM आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन फोल्डिंग का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, ये आपका हार्ड फिनिश है, ये हार्ड फिनिश है स्पीकर की ग्रिल, स्पीकर नहीं है, बॉटल होल्डर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा स्पेस, मैगजीन होल्डर, रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको रिक्लाइन का ऑप्शन है, आगे पीछे करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फ्यूल लिड को खोलने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फ्यूल लिड से याद आया इसका फ्यूल टैंक, के साइज की बात करी जाए तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 42 लीटर का, 42 लीटर का आपको यहाँ पे जो है फ्यूल टैंक का साइज देखने को मिल जाता है। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और फिर करते हैं इसकी बातें। यहाँ मैं आया हूँ गाड़ी के अंदर, देख रहे हो भाई गर्मी, देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है, ठीक है, उमस सी हो रखी है, बारिश वाला मौसम है। तो स्टार्ट करूँ सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील से, तो यहाँ पे आपको कोई भी लेदर स्टिचिंग वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कंट्रोल्स हैं किसी भी चीज के। ये हॉर्न सुना देता हूँ मैं आपको, तो पॉपो वाला हॉर्न आपको बेस यूनिट से ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अपना मिलेंगे स्टॉक पे अपने वाइपर के कंट्रोल्स, पीछे वाइपर नहीं है, ठीक है। इधर की तरफ बात की जाए तो यहाँ पे अपने लाइट के कंट्रोल्स, फिर यहाँ पे आपको फॉग लाइट के कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ टिल्ट, टेलीस्कोपिक आपको यहाँ देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इस तरीके से महिंद्रा की बैजिंग हो रखी है। AC वेंट्स, AC को थोड़ा सा लो कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से कंट्रोल्स वगैरह, यहाँ पे है अपना हजार लाइट का बटन, ग्लॉस ब्लैक का आपको यहाँ पे मेन कंसोल देखने को मिलेगा, सिलेंडर पूरा, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, रिवर्स गियर पे सिर्फ आपको सेंसर देखने को मिलेंगे, तो इस तरीके से टूटू करेगी, ठीक है। यहाँ पे बात करी जाए तो AC में आपको मैक्स AC का ऑप्शन मिल रहा है, थोड़े बहुत अपने ऑप्शन नॉर्मल AC के देखने को मिलते हैं। वो ये देखिए टेम्परेचर को कम ज्यादा करने वाला, आप ये चीज देखो, ये बड़ी प्यारी सी लगती है। यहाँ पे आपको दो बटन देखने को मिलेंगे जिससे कि आप अपने कंसोल को ब्राउज कर सकते हो, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको स्टेयरिंग के कंट्रोल देखने को मिलेंगे, 3 मोड देखने को मिलते हैं, कंफर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड। बहुत ही हल्की हल्की सी उसमें ट्यूनिंग है, बहुत हल्का हल्का उसमें जो है चेंजेस है हर सेटिंग पे। यहाँ पे आपको मैनुअल देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, इधर की तरफ भी आपको कुछ नहीं देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको फिर से ग्लॉस ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे हर वेरिएंट के अंदर। यहाँ पे इस तरीके से स्पेस है, यहाँ पे आपको कूल ग्लव बॉक्स देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बात की जाए तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन है, यहाँ पे अपना एडल स्टार्ट स्टॉप है, उसके बाद यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवल एडजस्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्विटर के लिए स्पेस है लेकिन ट्विटर नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कहानी हो जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी मैटिंग वगैरह मिलेगी, सी चार्जिंग, सी सॉकेट देखने को मिल जाएगा आपको, मैनुअल हैंड ब्रेक है, ग्रैब अपना यहाँ पे हैंडल देखने को मिल रहा है सेंटर में, उसके नीचे आपको स्पेस भी देखने को मिलेगा। ये चीज अच्छी लगी कि आपको सेंटर में आर्मरेस्ट देखने को मिल जा रहा है। अब एक बार मैं आपको इसके अंदर चेकआउट कराता हूँ क्या क्या देखने को मिलेगा, तो उसको ब्राउज करने के ऑप्शंस यहाँ पे हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे AFE देखने को मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टाइम और टेम्परेचर, यहाँ पे मिलेगा इल्यूमिनेशन को सेट करने का ऑप्शन, ट्रिप ए, ट्रिप बी, उसके बाद डिस्टेंस टू MT, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऊपर की तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कम्फर्ट लिखा हुआ है, तो ये है स्टेयरिंग के मोड्स। मैं इस बटन को दबाऊंगा तो ये देखिए अभी नॉर्मल पे आ जाएगा, उसके बाद एक और मोड मिलेगा स्पोर्ट मोड। इस तरीके से यहाँ पे चीजें देखने को मिलेंगी, लेफ्ट हैंड साइड पर अपना टैकोमीटर है, राइट हैंड साइड पर अपना स्पीडोमीटर है, बीच में थोड़ी बहुत वार्निंग वगैरह देखने को मिलेंगे, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टेम्परेचर मीटर और यहाँ पे अपना फ्यूल गेज देखने को मिलेगा। ये है इसका टैकोमीटर, ठीक है। इस तरीके से कहानी हो गई। अब चलता हूँ पिछली सीट पर, पिछली सीट पर चल के आपको स्पेस चेकआउट कराता हूँ कैसा देखने को मिलता है यहाँ पे। अब अगर मैं पिछले डोर पे बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, पावर विंडो के कंट्रोल हैं, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, ये हार्ड फिनिश है, ये हार्ड है, यहाँ पे स्पीकर की ग्रिल है, यहाँ पे मिलेगा बॉटल होल्डर, यहाँ पे मिलेगा अपना मैगजीन होल्डर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैट फिनिश में ही देखने को मिलने वाली है, अपने लॉक अनलॉक वाले ऑप्शन से सब कुछ मैट फिनिश में देखने को मिलेगा। ये मैं आ गया इसकी सेकंड रूम में, स्पेस की बात की जाए तो अच्छा खासा स्पेस है, यहाँ पे अपना मिलेगा AC वेंट्स, उसके बाद नीचे की तरफ एक और चार्जिंग सॉकेट सी टाइप का, उसके बाद नीचे आपको 12 वोल्ट का एक और चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ एक केबिन लाइट है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, हुक है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, हुक है, और बीच वाली रूम में तो आपको बताया था मैंने एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं, और इस तरीके का आपको पूरा डैशबोर्ड व्यू हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, प्राइसिंग क्या रहने वाली। प्राइसिंग से पहले ये है अपनी एडजस्टेबल हाइट, एडजस्टेबल सीट बेल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, प्राइसिंग क्या रहने वाली है। ये देख सकते हैं नई गाड़ी की डिलीवरी हो रही है। अगर मैं इसकी एक शोरूम कॉस्ट की बात करूँ तो एक शोरूम कॉस्ट करती है आपकी 7.5 लाख रुपये, 7,49,000 रुपीज़ जो है इसकी एक शोरूम कॉस्ट है। वहीं अगर मैं इसकी ऑन रोड कॉस्ट की बात करूँ तो मैं हूँ अभी आगरा में, यूपी में, और आया हूँ अपना आत्माराम महिंद्रा पे, स्पेशल थैंक्स टू देम जिन्होंने मेरे को एक गाड़ी प्रोवाइड करी और आप तक जो मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुंचा पा रहा हूं। तो ये यहां पे आगरा में आपकी ऑन रोड कॉस्ट करने वाली है 8,80,000 रुपये की, 8,80,000 रुपीज़ जो है इसकी ऑन रोड कॉस्ट है या आगरा में यूपी पे। तो कैसी लगी गाड़ी, कैसी लगी वीडियो, मेरे को कमेंट से जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कार, बाइक या गाड़ी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।